जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाला है, जी हाँ, 51,000, सिर्फ और सिर्फ 51,000 में। दुख ये करना नहीं चाहिए, पर जो करते हैं वो ये पॉइंट अपने ध्यान में रख सकते हैं। जब अभी मैंने इसे राइड किया ना, तो मुझे एक और चीज फील हुई कि जो इसको मिड रेंज टॉर्क है ना इसकी, किस बार की जो नई बुलेट है वो ऑलमोस्ट क्लासिक जैसी लगती है, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारी चीजें अलग हैं जो मैं अभी वीडियो क्लास में को बताऊंगा। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2023 न्यूली लॉन्च्ड बुलेट 350। वैसे मुझे पता है कि काफी रिव्यूज, डिटेल रिव्यूज ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुके हैं, पर हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ अलग, कुछ हटकर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हर एक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जी हाँ, बात करेगा डाउन पेमेंट की, कितना डाउन पेमेंट करना है, कितनी ईएमआई बनेगी, क्या ऑन रोड प्राइस बनेगी, हमें ये बुलेट लेनी चाहिए या नहीं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं पुराने बुलेट में, नई बुलेट में, ये क्लासिक से अलग किस तरह है, हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मुझे पुणे से देख रहे हो तो आप लोगों को पता ही है कहाँ आना है, अगर नहीं पता तो जो एड्रेस है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कुछ नहीं करना, एड्रेस को कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो और आ जाओ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात कर लेता हूं। तो अभी जो हमारे पास बुलेट 350 है, जी हाँ, ये टॉप वेरिएंट है, और जो इसकी ऑन रोड प्राइस है वो अराउंड 2,50,000 में पड़ती है। आप इसे इस तरह से भी देख सकते हो कि ये हमें क्लासिक से अराउंड 20,000 सस्ती पड़ती है। चलो, ये तो होगी ऑन रोड प्राइस की बात, अब मैं इसकी डिजाइन की बात करता हूँ। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमें थोड़ी बहुत ना इसमें क्लासिक की झलक देखने को मिलती है। उसके दो रीजन है। पहला तो टैंक ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारा क्लासिक 350 के साथ, एंड ये जो बाइक्स हैं, जैसे आपकी मेटियोर 350 हो गई, बुलेट 350 हो गई, क्लासिक 350 हो गई, ये सारे ना ऑलमोस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे बने हैं, तो हमें थोड़ी बहुत तो झलक देखने को मिलती है। बाद बाकी तो जो इसकी डिजाइन है वो काफी हमें, मतलब होता है ना वो असली वाली बुलेट जो धुक धुक करके रोड पर चलती थी, वैसी वाइब तो हमें देती ही है। खैर, वो मैं आपको जब एक और वीडियो लाऊंगा ना इसकी राइड रिव्यू, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा कि इसको चलाने के बाद इसका प्रेजेंस कैसा फील होता है। चलिए, ये तो हो गई डिजाइन की बात। जी हाँ, अब मैं बाइक को फ्रंट से ना इसकी पूरी डिटेल रिव्यू देता हूँ आपको। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो जी हाँ, हमें वही आइकॉनिक हमें पैलेट लाइट देखने को मिल जाते हैं, हेडलाइट देखने को, इंडिकेटर। अब देखो, मैं लाइट्स के बारे में ये बोल रहा हूँ कि आपको जितने भी लाइट्स देखने को मिलेगी इसमें, वो ऑलमोस्ट सारी हैलोजन है, एलईडी आपको देखने को नहीं मिलती। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये होता है ना, ये पुरानी असली बुलेट वाली फील आपको चाहिए तो आपको ना एलईडी नहीं, एलईडी इज टू बिट ऑफ मॉडर्न, बेसिकली जो इसका लुक है उस पर हैलोजन जचती है भाई। तो ये तो होगी सारी लाइट्स की बात। एंड मैं अगर मडगार्ड की बात करूँ तो हमें मेटल मडगार्ड देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन की बात करूं तो 41mm का सस्पेंशन हमें देखने को मिलता है, USD फोक हमें देखने को मिलता है। हाँ, अगर मैं टायर्स की बात करूं तो जी हाँ, हमें अभी भी स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात, अगर मैं स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, हमें तो ट्यूबलेस देखने को मिलेंगे नहीं, ट्यूब टायर्स हैं स्पोक व्हील के साथ हैं। एज आई सेड, ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड है, बुलेट है, तो वो बुलेट का फील, वो टच रखने के लिए इसके लुक में स्पोक व्हील्स के साथ अच्छा लगता है। एंड जो अभी वेरिएंट मेरे साथ खड़ी है वो है डुअल चैनल ABS के साथ। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो हमें एनालॉग पार्ट भी देखने को मिल जाता है स्पीड के लिए, एंड डिजिटल पार्ट भी मिलता है। तो चलिए मैं देखता हूं ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो दिस इज द एनालॉग पार्ट, इसमें हमें स्पीड देखने को मिलता है। अगर मैं डिजिटल पार्ट की बात करूं तो हमें इसमें फ्यूल, इको इंडिकेटर, टाइम, ऑडोमीटर, बहुत सारी चीजें देखने को तो नहीं मिलती, पर हाँ, जितनी चीजें जरूरी है वो देखने को मिलती है। यहाँ हमें रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। हाँ, एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इस स्विच से रिलेटेड। अगर आपको अपने डिजिटल पार्ट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप बाइक को राइड करते समय इस स्विच के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। जी हाँ, इससे आप कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो, आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 कुछ भी सेट करना हो। एंड अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो हमें वही प्रीमियम स्विच एंड टच देखने को मिलती है। आप जब स्विचेस को टच करोगे, फील करोगे स्विचेस को, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बहुत प्रीमियम है, अच्छे से काम किया गया है। एंड हाँ, पहले क्या होता था, जब आप बुलेट को राइड करते थे तो वाइब्रेशन से मिरर चेक करती थी। नाउ इंजन इतना चुका है रिफाइंड कि अगर ना आप हाई स्पीड पे भी क्रूज कर रहे हो तो आपको ना वाइब्रेशन मिरर्स में कम देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो हमें 349cc का इंजन देखने को मिलता है, जो 20.4 BS की पावर जनरेट करती है एंड 27 Nm का टॉर्क। एंड अगर मैं इसके इंजन की और थोड़ी डिटेल में बात करूं तो इसके इंजन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, एंड 2023 वेरिएंट है ये, तो समय के साथ जो बुलेट है ना उसने फील तो वही रखा है, पर अपने इंजन पे बहुत काम किया, उसने बहुत ज़्यादा अपने इंजन को रिफाइन किया है। एंड जो इसकी इंजन है, इससे आपको वो दुग दुग वाली फील तो आएगी, पर हाँ, होता है ना वो हैवी
हैवीनेस, एक स्मूथ, इसके चाल में ना आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगा, जो जब मैंने इसे राइड किया मैं तो काफ़ी इंप्रेस था कि चलो ठीक है वाइब तो वैसी आ रही है राइड करके, एंड वो वाइब इसलिए भी आ रही है क्योंकि जो इसकी हैंडलिंग है वो थोड़ी अपराइट है। ये भी एक डिफरेंस है क्लासिक और इसमें, क्लासिक की ना थोड़ी ऐसे है एंड ये थोड़ी अपराइट है, तो आपको एक होता है ना वो जो सीना चौड़ा करके बैठते हो दुख दुख वाली आवाज आती है वो सब तो आपको फील, वो टच रह ही गया है, बट हाँ इंजन थोड़ी और रिफाइंड हो गई है। जब अभी मैंने इसे राइड किया ना तो मुझे एक और चीज फील हुई कि जो इसको मिड रेंज टॉर्क है ना इसकी वो काफी सही है, मतलब आपको ना गियर अपलिफ्ट करने की जरूरत नहीं, आप आराम से इसके मिड रेंज में क्रूज कर सकते हो, आपको वो हैवीनेस फील नहीं होती। अराउंड 195 केजी इसकी वेट है, पर जब ये सड़क पे चलती है ना आपको बिल्कुल फील नहीं होती। हाँ कॉर्नरिंग वगैरह के समय जब आपकी गाड़ी एक तरफ थोड़ी ज्यादा झुक जाए तो ऑब्वियस सी बात है आपको वेट फील करवा देगी, पर ऐसे जब आप इसे क्रूज करोगे आपको लगेगा कि नहीं ये इतनी भारी है। एंड हाँ इसमें 5-speed गियर बॉक्स हमें देखने को मिलता है, वही एज यूजुअल जो हमें मेटियोर और क्लासिक में भी देखने को मिलते हैं। मैं इसके टैंक की बात करूँ तो हमें 13 liters का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, एंड अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो मैं अगर चलो आपको एक ओवरऑल माइलेज बताता हूँ कि अगर आप सिटी में भी हाईवेज पे भी मतलब आप क्रूज वगैरह कर रहे हो, सिटीज़ में भी मतलब आप कहीं ट्रिप मार रहे हो, इसमें आपको सिटीज़ भी देखने को मिल रहे हैं हाईवेज भी मिल रहे हैं, 30 से 35 आराम से, 30-35 की ये ओवरऑल माइलेज आपको देगी। मुझसे अगर पूछो तो ये काफ़ी सही है यार, मतलब एक चलाने में भी जिसकी वाइब आती है उसके बाद ये माइलेज भी देती है, टू गुड, लिटरली टू गुड। एंड हाँ अगर टैंक की बात हो ही रही है तो मैं जितनी तारीफ करूँ इसके बैजिंग की उतनी कम है। जी हाँ ये जो रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है ना इसमें ना क्राउन बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ हमें बुलेट 350 का बैजिंग भी देखने को मिल जाता है, आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये बुलेट 350 ही है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि इस बार की जो नई बुलेट है वो ऑलमोस्ट क्लासिक जैसी लगती है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं जो मैं अभी वीडियो क्लास में को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंसेज हैं बुलेट 350 में और क्लासिक 350 में। तो अब अगर मैं सीट की बात करूँ, एज यूजुअल रॉयल एनफील्ड हैज नेल्ड इट। जी हाँ कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, सीट काफ़ी चौड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, एंड सीट काफ़ी कंफर्टेबल है बोथ राइडर के लिए भी टीलियन के लिए भी। एंड चलिए मैं आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ एंड फिर बताता हूँ कितनी कंफर्टेबल है ये। जी हाँ एज आई सेड काफ़ी कंफर्टेबल है सीट, एंड जो उसकी सस्पेंशन है ना वो भी काफ़ी सही है। अभी मैं सिर्फ बैठ के नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैंने इसे रब राइड किया था तो भी जो उसकी सस्पेंशन है मुझे काफ़ी अच्छी फील हुई, मतलब उतनी स्टिफ नहीं है जितनी हुआ करती थी। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि ये वन ऑफ द गुड अपडेट है जो रॉयल एनफील्ड ने हमें दिया है। एंड हाँ कोई भी कंपनी जो क्लासिक बनाती है ना वो ये कमाल नहीं कर पाती कंफर्ट पर जो बुलेट कर रही है भाई साहब। एंड हाँ हमें सिंगल सीट देखने को मिलता है, वहीं अगर मैं क्लासिक की या मेटियोर की बात करूँ तो हमें स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। एंड सिंगल सीट की अपनी खासियत है, वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर आप ट्रिपलिंग वगैरह कर लेते हो, थोड़ी दूर जाना है, 2-3 दोस्त हैं, अगर सबको लेके जाना होता है सिंगल सीट वहाँ काम आती है भाई साहब। डबल सीट में 3 लोग नहीं बैठ पाते एंड एज आई सेड ये करना नहीं चाहिए, पर जो करते हैं वो ये पॉइंट अपने ध्यान में रख सकते हैं। एंड हाँ अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 160 mm का हमें देखने को मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस, जो इंडियन रोड्स के हिसाब से तो काफ़ी बेहतरीन है। अगर मैं सीटिंग हाइट की बात करूँ तो हमें 805 mm का देखने को मिलता है, जो फिर काफ़ी सही है, जो उतने लंबे नहीं है, जो थोड़े शॉर्ट हाइटेड हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल होकर राइड कर सकते हैं बुलेट 350 को, मैन्यूवर करने में भी उन्हें आसानी होगी, उनके पैर आराम से पहुंच जाएंगे। अभी आपको देखकर थोड़ी लंबी लग रही होगी बट मैंने इसे डबल स्टैंड में डाल रखा है। और लेट्स टॉक अबाउट द रेयर साइड ऑफ द बाइक। रेयर साइड जो बाइक की है वो हमें एज यूजुअल देखने को मिलती है हैलोजन इंडिकेटर्स, हैलोजन टेल लैंप, यही सब हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की आज राइड करने के बाद इस बाइक को, फील तो वही रह गया है कि हाँ आप बुलेट राइड कर रहे हो, फील तो वैसा ही है, बट इंजन काफ़ी रिफाइंड हो गए हैं। पहले होता था ना जब आप बुलेट चला रहे थे तो थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी कि वेट है, कांटा मिला रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड हाँ एक और चीज़ मैंने नोटिस की, किक स्टार्ट अब हमें नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी बात है कि रॉयल एनफील्ड अब अपनी बैटरी पर इतना भरोसा करती है कि उन्हें पता है कि किक स्टार्ट की उतनी ज़रूरत है नहीं। एंड ये बहुत लोगों को ये अच्छा मूव नहीं लगता है कि चलो ठीक है बुलेट है तो किक स्टार्ट होती थी तो एक वाइब आती थी, पर ठीक है यार अब जो थोड़े यूथ हैं वो ना किक स्टार्ट्स वगैरह पे उतना ध्यान ही नहीं दे रहे, तो कंपनी ने भी थोड़ा यूथ को ध्यान में रखते हुए किक स्टार्ट हटा दिया है, जो आपको कभी फील नहीं होगा। क्योंकि ट्रस्ट मी मेरे फ्रेंड्स भी बुलेट ओन कर रहे हैं आज से नहीं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, उन्हें कभी ऐसा इशू नहीं आया कि उन्हें किक स्टार्ट करनी पड़ जाए। तो ठीक है यार रॉयल एनफील्ड इतना भरोसा तो आप इस पर कर ही सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, वो दुख 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 वाली आवाज जिसका आप लोग वेट कर रहे हो। लेट्स सी।
यह है इनिशियल, जैसे बाइक स्टार्ट होती है तो कुछ इस तरह की हमें आवाज देखने को मिलती है। एंड नाउ फील इट, वही एज यूजुअल बुलेट की थंप, वही दुग दुग वाली आवाज। जी हाँ, जब बुलेट स्टार्ट होती है ना तो मतलब लग जाता है यार पता कि चलो ठीक है, एक मैनली बाइक आप राइड कर रहे हो। एंड हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, जी हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है कि इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी होगी, ईएमआई कितनी होगी, ऑन रोड प्राइस कितनी होगी। हालांकि मैंने ऑन रोड प्राइस जो है वो वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, पर कुछ लोग जो स्किप करके लास्ट में सिर्फ यही सुनने आते हैं उनके लिए फिर से बता देता हूँ, 2.5 लाख, अराउंड 2,50,000 जो है इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है। मैं टॉप वेरियंट की बात कर रहा हूँ जिसमें हमें डुअल चैनल एवीएस देखने को मिलता है, बेस वेरियंट की बात नहीं हो रही। टॉप वेरियंट 2.5 लाख ओनली। एंड अब अगर मैं इसके डाउन पेमेंट की बात करूं तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाला है, जी हाँ 51,000, सिर्फ और सिर्फ 51,000 में दुक-दुक बुलेट 350 को घर ले जाइए। जी हाँ, एंड अगर मैं इसके मिनिमम ईएमआई की बात करूं तो अगर आप 36 मंथ्स के लिए लोगे तो 7,200 पड़ेगी। एंड मैं आपको यह बता दूं कि जो भी मैं फिगर दे रहा हूं वो फिक्स नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपके सिविल पे। अगर आप शोरूम आते हो, आपकी सिविल अच्छी है, क्या पता आपको और कम डाउन पेमेंट करना पड़े। आपकी सिविल बुरी है तो आपको आपकी डाउन पेमेंट जो है वो बढ़ सकती है, तो ये फिक्स करके मत आना। हाँ, आप आओ टेस्ट राइड लो, इनसे डिस्कस करो, ये आपकी सिविल वगैरह देख के आपको एकदम परफेक्ट बता देंगे आपको मिनिमम कितना क्या करना है। एंड आपको अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई भी क्वेरी है बुलेट से रिलेटेड, क्लासिक से रिलेटेड, न्यू वाली हिमालयन से आपको कोई क्वेरी, कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है। एंड बाय द वे, नई वाली हिमालयन की जो है बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, 10,000 के अराउंड आप पे करके बुक कर सकते हो। वो भी कहाँ करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एड्रेस कॉपी करो, आ जाओ, आओ विजिट करो, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको खुद भी दे देंगे। एंड अगर आप लोग मुझे देश के किसी भी कोने से देख रहे हो, कमेंट करो, मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो ले आऊंगा, जो भी आप लोगों को इश्यू होगी उसका हर एक का जवाब दूंगा। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड कमेंट करके बताओ आगे और किस बाइक की क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कंपनी की बाइक हो डजेंट मैटर, आपको चाहिए होगा मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नई बाइक के साथ।